रानी नगरपालिका द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का हुआ शुभारंभ। शहरों में भी मिलेगा 6 दिन का रोजगार। विषय में रानी तहसीलदार जितेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद सहित अन्य अतिथि रहे कार्यक्रम में मौजूद। तहसीलदार सहित कई लोगों ने किया श्रमदान। रानी नगरपालिका द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण प्रदेश में आज शुभारंभ किया गया। वहीं रानी नगरपालिका द्वारा छोटी रानी से दूध रोड की ओर 23.42 लाख रुपए की लागत से कार्य का शुभारंभ किया गया। नेता प्रतिपक्ष इलियास सड़वा ने संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के शुरू होने से शहरों में ही जरूरतमंद और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए। पार्षद सुनील बैरवा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी महिलाओं के लिए नया अवसर है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को इस योजना में सर की प्राथमिकता के अनुसार काम करने के लिए निर्देश दिए। वहीं मुख्य अतिथि रानी तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, इससे कि योजना का उद्देश्य सफल हो। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत छोटी रानी से दूध रोड को विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय क्षेत्रों का स्वरूप निखरेगा। इस मौके पर रानी तहसीलदार जितेंद्र सिंह, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद, प्रतिपक्ष नेता इलियास सड़वा, पार्षद सुनील बैरवा, पार्षद मोहम्मद अकरम, कपुराराम प्रजापत, लाकू देवी, सीता देवी, रेखा माली, पार्षदगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं योजना अंतर्गत पंजीकृत शहरी के आमजन श्रमिक भी मौजूद रहे। जैसे सबसे पहली बात है, ई मित्र के माध्यम से इसका पंजीकरण होगा और धन आधार इसका आधार बनेगा।